सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि सैमसंग ने अपने ए सीरीज, एफ सीरीज और एम सीरीज के बजट स्मार्टफोन काफी अच्छे लॉन्च किए थे, तो अब बार ही उसके एक मिड रेंज डिवाइस लॉन्च होने की, जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A52s। ये जो स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा वो एक मिड रेंज डिवाइस होगा, जिसकी आपको प्राइस 27 या फिर 28,000 देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने जा रही है, तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो स्मार्टफोन को। एक तो देखने को मिलता है OnePlus Note 2 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A52s के साथ। A52s एक अपकमिंग डिवाइस है और इसकी आपको स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी देखने को मिल सकती है एज कम्पेयर टू OnePlus Note 2। तो अगर आपने प्लान किया था OnePlus Note 2 बाय करने का, या फिर और आपने प्लान किया था 27 या फिर 28,000 में एक नया स्मार्टफोन बाय करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें इन दोनों फोनों की प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर अगर देखें सैमसंग गैलेक्सी A52s, तो उसकी आपको जो एक्सपेक्टेड प्राइस देखने को मिलती है वो है 25,000 से लेकर 30,000 रुपीज तक। तो बात करें OnePlus Note 2 की, तो उसकी आपको जो प्राइस देखने को मिलती है बेसिक वेरिएंट की, वो हमें देखने को मिलती है 28,000 रुपीज। तो अगर आपने प्लान किया था एक 28,000 में एक बेस्ट स्मार्टफोन बाय करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन डिफरेंस, ताकि आपको पता लग सके कि यहाँ पर आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है इन दोनों ही स्मार्टफोन में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें डिस्प्ले क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर अगर देखें OnePlus Note 2, तो उसका आपको जो डिजाइन देखने को मिलता है वो है OnePlus 9R जैसा। आपको बैक साइड में बड़े बड़े कैमरा और बैक साइड में फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, और फ्रंट साइड में आपको जो है पंचोल कैमरा देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में। तो बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, और ये डिस्प्ले आपको 90 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर देखें सैमसंग गैलेक्सी A52s, तो वहाँ पर अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको इसका जो डिजाइन है वो आपको A52 जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेंटर, और फ्रंट साइड में आपको पंचोल कैमरा देखने को मिलेगा एकदम सेंटर में। तो बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में और डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में, इन दोनों फोनों की आपको बिल्ड क्वालिटी तो काफी हद तक सिमिलर देखने को मिल जाएगी, बट अगर बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलेगा, जो कि 90 हर्ट्ज से काफी स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस सैमसंग गैलेक्सी A52s ज्यादा बेटर दे सकता है एज कम्पेयर टू OnePlus Note 2। तो बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर अगर देखें OnePlus Note 2, तो वहाँ पर आपको MediaTek से आने वाला MediaTek Dimensity 1200 सीरीज देखने को मिलती है, जहाँ पर ये जो प्रोसेसर है वो आपको 5G देखने को मिलता है, और ये जो प्रोसेसर है वो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। तो बात करें रैम वेरिएंट की, और यहाँ पर आपको एक 8GB और एक 12GB रैम वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। तो बात करें सैमसंग गैलेक्सी A52s में, तो वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 778G, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, और ये भी प्रोसेसर आप 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। और यहाँ पर अगर देखें रैम वेरिएंट, और यहाँ पर आपको एक 6GB रैम वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग ये दोनों फोन आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट यहाँ पर आपको रैम वेरिएंट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको 6GB रैम देखने को मिलती है सैमसंग गैलेक्सी A52s में, और वहीं पर आपको 8GB रैम वेरिएंट देखने को मिलती है नोट 2 में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मल्टीटास्किंग में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बाकी इन दोनों फोनों की आपको परफॉर्मेंस काफी हद तक सिमिलर देखने को मिल सकती है। तो बात करें कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर अगर देखें OnePlus Note 2, तो वहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर इसका जो मेन कैमरा को 15 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और एक 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिलता है। और यहाँ पर इसकी जो मेन कैमरे की वीडियो रेजोल्यूशन है वो हमें देखने को मिलती है 4K 30fps के साथ, और यहाँ पर आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर इसका जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, और यहाँ पर इसके मेन कैमरे में आपको सोनी का IMX766 सेंसर देखने को मिलता है। तो बात करें सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और इसकी भी आपको वीडियो रेजोल्यूशन फुल HDR 30fps देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर देखें सैमसंग गैलेक्सी A52s में, तो वहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर इसका जो मेन कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, और एक 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर देखें मेन कैमरे की वीडियो रेजोल्यूशन, तो वो हमें देखने को मिलती है 4K 30fps के साथ, और यहाँ पर आपको OIS का भी सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो बात करें सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको इसकी जो वीडियो रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी वो है 4K 30fps के साथ। तो कैमरा क्वालिटी के रिगार्डिंग OnePlus Note 2 थोड़ी सी बेटर फोटोग्राफी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है सोनी का IMX766 सेंसर देखने को मिलता है, जो कि काफी एक फ्लैगशिप सेंसर है, और इसमें आपको फोटो थोड़ी सी बेटर देखने को मिल सकती है एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी A52s। तो यहाँ पर अगर देखें इसकी बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर OnePlus Note 2 में आपको 45,000 mAh की आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलती है, और उसी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 65W चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर देखें सैमसंग गैलेक्सी A52s में, तो वहाँ पर भी आपको 45,000 mAh की आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, और उसी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको सिर्फ 25W चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो बैटरी के रिगार्डिंग ये दोनों स्मार्टफोन आपको काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पर आपको चार्जिंग स्पीड में डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि OnePlus Note 2 में सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है,
बट यहाँ पर आपको जो है सैमसंग के हर एक डिवाइस में आपको इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी A52s में। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशन डिफरेंस जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी A52s और OnePlus Note 2 की देखने को मिलती है। तो बात करूं मेरे पर्सनल ओपिनियन की कौन सा डिवाइस आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो ये डिपेंड करता है आपके यूसेज की तरफ। अगर आप इस फोन को डिस्प्ले रिगार्डिंग जज करते हैं, अगर आपको एक फोन चाहिए डिस्प्ले रिगार्डिंग या फिर बिल्ड क्वालिटी आप काफी अच्छी स्मार्टफोन की चाहते हैं, ब्रांड क्वालिटी चाहते हैं, तो आपको सैमसंग के गैलेक्सी A52s के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिल जाता है जो कि 90 हर्ट्ज से काफी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। तो यहां पर अगर बात करें कैमरा क्वालिटी की, तो आपको OnePlus Note 2 थोड़ी सी बेटर क्वालिटी दे सकता है, क्योंकि वहां पर आपको सोनी का IMX766 सेंसर देखने को मिलता है जो कि एक फ्लैगशिप सेंसर है। तो इसमें आपको डेफिनेटली कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी बेटर देखने को मिल सकती है एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी A52s में। तो बात करें इसमें बैटरी की, तो यहां पर आपको सिमिलर बैटरी देखने को मिलती है। तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो आपको दोनों फोन काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपको मल्टीटास्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बाकी इन दोनों फोनों की आपको परफॉर्मेंस काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।